सभी परिसंवाद भारतीय साहित्य में योग दर्शन पतंजलि योग सूत्र के विशेष संदर्भ में इस विषय पर आयोजित किया गया है और इसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अशोक कालिया जी से अनुरोध किया और उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। आज वो हमारे साथ हैं और इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रोफेसर अशोक कालिया जी का साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रोफेसर अनुरंजन मिश्र जी शांति निकेतन से आए हैं और सरस्वती हेगड़े जी कर्नाटक से हमारे बीच में आई हैं। आप दोनों ही विद्वानों के आदरणीय मैं साहित्य अकादमी के विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवी से निवेदन करता हूँ कि वे हमारे अतिथि आदरणीय अशोक कालिया जी का अंगवस्त्रों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। मैं डॉक्टर सुभियान अहमद से भी निवेदन करता हूँ कि आदरणीय अशोक रंजन मिश्र जी का अरुण रंजन मिश्र जी का अंगवस्त्रों के साथ सम्मान करें। साहित्य अकादमी के जो हमारी जो पत्रिका है इंडियन लिटरेचर उसके संपादक श्री एजे थॉमस जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे प्रोफेसर सरस्वती हेगड़े जी का अंगवस्त्रों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। योग की इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए
भारतीय साहित्य में योग दर्शन पर जो भी विचार हुआ है, विशेषकर पतंजलि योग दर्शन के विशेष संदर्भ में, उस पर विशेषज्ञ विद्वानों को आज हमने आमंत्रित किया है और ये संवाद की परिकल्पना की। मैं साहित्य अकादमी की ओर से पुनः तीनों ही विद्वानों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सबसे पहले प्रोफेसर सरस्वती हेगड़े जी को आमंत्रित करूँगा आलेख पाठ के लिए। आप कर्नाटक में पिछले 25 वर्षों से योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नाम है। आपने आपके शोध का विषय था योग विद्या और प्राणी चिकित्सा। आपने एक स्वयंसेवी संस्था की स्थापना की जो प्राणी चिकित्सा की प्राचीन परंपरा के अनुरूप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही है। आप 10 वर्ष तक MS रमिया मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल बेंगलोर में योग विद्या प्राणी चिकित्सा विभाग की प्रमुख और मुख्य अनुसंधान करता रही हैं। अभी आप कर्नाटक के 20 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों में उत्तम जीवन के योग संबंधी नियमों को पढ़ा रही हैं। वर्तमान में आप स्कूली बच्चों और किशोरों के व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष तौर पर कार्य कर रही हैं। बहुत ही आदर के साथ प्रोफेसर सरस्वती हेगड़े जी। Swadhyaya
ईश्वर प्राणी प्राणानामि क्रिया योग वी आर ऑल इन टू क्रियास एंटायर डे वी आर ऑल डूइंग वर्क इंटरनली एक्सटर्नली नोइंगली अननोइंगली हाउ डू यू डू इट व्हेन यू आर डूइंग द वर्क यू शुड डू इट विद तपः व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तपः वी आर ऑल अवेयर उन्होंने तप किया इन्होंने तपस्या किया है इतना साल किया है When it comes to our life, what is the tapasya we are all doing it on a daily basis? Professionally, most of the time, intellectually we do it. Again, when we go back to the medical science, it talks about right brain and the left brain. Indian tradition was balancing both. Left brain is more of logic, right brain is more of emotion, spirituality. The modern education system is emphasizing only on left brain. That is why the younger generation fail to understand the emotions, fail to respect the spiritual concept. It becomes so logical. So earlier method was tapaha, to balance right and left brain. Each one had their own method of doing tapasya. It was not standardized for everyone. As per their lesson, they are supposed to, as per their situation, they were supposed to learn their lesson. Again, it goes to the karma theory that who is the accountant for karma? Everybody knows that Chitragupta is the accountant for karma. What is the meaning of Chitragupta? There are two words, Chitra and Gupta. Chitra is pictures, photographs, video, whatever. Gupta is secret. All our actions are stored in the form of pictures. If you think of your childhood, you will get plenty of pictures. And I ask which standard you have studied, your first standard in which school you have studied, your school picture will come in front of you. That is the mechanism where our mind stores all the information. Our ancestors were very, very, very intelligent, very smart. They compiled the word Chitragupta. Imagine somebody storing all our information. Whereas it is inbuilt system within us. Again, when we meditate, that is tapaha, we understand that whatever the information we have within and the conflict associated with that, then we work towards learning our own lessons, understanding our own mistakes. Then the next statement comes, swadhyaya. Learn from your own mistakes. They have not asked us to find out the fault with others. They asked us to find the fault within. That is swadhyaya. Once you meditate, you understand your own mistakes to rectify the qualities within you, the approaches within you. Then you worship God, you pray to God. It is, if it is not within your limitations, then seek the blessing from the universe, receive the blessings and change your life. This is the ultimate approach for all our daily work. If we start managing this way, life becomes Yoga, karma, so kaushala. We develop our skill in action. If we understand this approach, then life becomes much more easier. When we differentiate, the profession is different, personal life is different, then there is a conflict. If it becomes part of us, when we know how to balance these two, it is easier. That tools and techniques are given to us. And it is my privilege to have a lot of seniors with lot of wisdom. Now it is our responsibility to impart this knowledge to the next generation. Somewhere we have to make this skillful in action to bring, we should bring it back to our educational system. And it should become part of our daily routine. It should be a daily routine for schools, in any office. Earlier, praying in an office was very simpler. I don't know in Delhi, even in Bangalore, every Friday evening, prayer. They do puja, Lakshmi puja. Will you do it here also? Earlier, even in all government offices, it is done. That the spiritual support, through the puja, spiritual support was offered in all the places. Gradually we are missing those values and cultures. Why I am talking about the puja? Again, it is a tapaha, swadhyaya, ishvara, bhutana. So it is all linking, bring
again, if we go back, okay, for your Bhagavad Gita, it talks about yoga. How many approaches he gives us to make our life simpler, smoother. Now, the question is, we are celebrating Yoga Day on 21st June, all over the world. Let us bring it back to our mind. How to cultivate this yoga technique in our life? If we are being instead of information, make a simple, practical experience so that you can experience. Are you ready? Willing to let go of your chitta vritti? The negatively influencing chitta vritti, one thought from your mind. Are you willing to let delete from your mind? Yes? If the answer is yes, we will do the trial. Through our yoga method only. How powerful it is, how simple it is. Are you ready? Yes? Yes? If it is in your mobile, you know how to delete one picture, file, folder. Empty your space. If we can think of our system, how many unnecessary stores, files are stored in your brain? From your childhood, unnecessary incidents, we keep it in our system and if we get corrupted, our efficiency reduces. Are you willing to delete one file from your brain? Yeah. Yes. Identify one file which is troubling you, which is affecting your deeper peace, your happiness, which is causing this is in your body, in your mind. Are you ready? Yes? Please close your eyes. Sit in a yoga pose. Spine erect. Practice Kesari Mudra, that is thumb to the palate. Curl your thumb so that let it touch up the palate. Close your eyes. Observe your breathing. One deep inhalation and exhalation. Inhalation and exhalation is to recharge yourself. Inhale for your own sake. Inhale completely, properly, deeply. Fill yourself with fresh energy. Exhale, let go of all your stress, pressure, tension. Identify in your body. Just check the muscles. If there is any tightness, heaviness, while relaxing, while exhaling, relax. First part is tapaha. Identify the presence of God. Feel your connection with God. Your own Ichha, Ishta Devata, Aradhya Devata. Feel the presence of God and seek the blessings, guidance. Be sincere in your prayer. There is no one else other than you and your Ishta Devata right now. Make your connection very clear, strong, complete. Feel the presence. Happiness.
decision. You make very clear to let go. भगवान से प्रार्थना कीजिए मेरा ये स्वभाव बदलने के लिए मुझे ताकत दीजिए भगवान से प्रार्थना कीजिए. Whatever the method you feel comfortable, you offer it on this fire or to water. As if you are taking a dip in Ganga, Ganga Mata. Feel you are taking a dip and letting go. Samarpan kiji. Or if you are comfortable offering it to fire, अग्नि में समर्पण कीजिए. चॉइस आपका है, खुशी से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए. टू बी कंप्लीट इट इज गिवन चॉइस. आफ्टर रिलीजिंग इट विद द फ्रीडम इन योर हार्ट. Receive the blessings from God. Fill your mind, your thoughts, your actions. With peace, strength, forgiveness. Much more deeper. Faith and Shraddha. Count your blessings. आपका जीवन में जो भी अच्छा है वो याद कीजिए. खाने के लिए रहने के लिए भगवान भी दिया है. Be thankful for all the grace you are receiving from them. Whatever the work you are doing, it is an opportunity given by God. Say thank you for all the priceless blessings. Please go away and come. Method is simple. Effort is simple. It should be commitment to oneself. This is my life. I am the designer, I am the architect of my life. I should choose what I need to have. When we design, we make our life better. Then the second chapter of Gita, Sthita Prajnasya Kavbhasha, becomes much simpler. Unless and until we go inside, Chitta Vritti, unless and until we handle our own mind, nothing is going to change. We have to bring that concept back again to our life. So we think of more than talking about the concept, we explain the concept much more applicably. This is what we teach in schools, colleges. Before I conclude, I request you all, you are all into a kind of intellectual, spiritual path. Just bringing the awareness of my field in India,
almost 80% of the youngsters are getting exposed for addictions, diversions. It's a really alarming sound. We all need to take action on this. Since we respect our culture, our values, we all have a responsibility to go back to the society, help our youth. We have to work on bringing back our culture back to the educational system to protect our own next generation. It is all in a very serious condition. The decisions which we used to get in the 80s, 70s, 60s, the children are having it at the age of 25, 15. So to protect our young generation next, we need to really work on that. And I request the Sahitya Academy to conduct workshop on such things. Bring out the values, the application method to go back to the society, go back to schools, adaptable manner. How do they do it? Now even the education system, it is suitable only for 30% of the children. 70% of the children, we are attacking their creativity, that individuality. Otherwise, in India, every one or one child is committing suicide due to academic pressure. Maybe when we are studying, academic pressure and committing suicide, the thought was not there at all. The instinct of survival is naturally given to all of us. In the name of education, we are attacking such creativity and innovation. It is a serious warning for our entire country. We need to understand, work on it. Let us bring yoga back to our life, school, education, in all the aspects. Hope for the time is allotted. Time is over. Many times
it has become the notion that yoga is nothing but asana and pranayama, some stretches, some exercises. Yoga is not limited to that. And I also, besides all other academic books, I also take note of a discussion in Speaking Tree on 17th June, this month. There were two valuable articles there also. So I will take help of those articles and my books on yoga. So, first of all, when we speak about yoga, it would be Vritti Nirodha. Very beautifully explained by Dr. Hegde. The first impression is that the opposite, the sutra is negative. Because it is Nirodha, speaking about Nirodha, it is commanding to withdraw mind. If you withdraw mind, then how can you know God? Because in our system, in our system, one can visualize God through manasa pratyaksha. If mind is withdrawn, then how God can be visualized? It's a great problem. Secondly, if Patanjali says this shastra to be yoga, and here it is yoga, it is withdrawing, so it is not yoga at all. So there are some fundamental problems as far as understanding of this sutra is concerned. And besides that, when sutra defines yoga in this way, there is no place of God, as it seems apparently, there is no place of God in the total sphere of yoga then. So in order to explain that situation created by that sutra, and also to explain that yoga is not really some stretchings only, some postures only, I have something to say. I will read out something, and in between I can also speak, can be allowed me. And as I said, discourse on yoga, Patanjali Yoga Sutra. Patanjali's Yoga Sutra make the earliest available set of yoga origins that have been instructing for practical postures and breathing exercises for the good health of the people of the world. In fact, next to zero, the greatest contribution of India to the world civilization is yoga. Buddhists and Hindu monks took it to different countries in the ancient times. In the modern era, Swami Yogananda, exponent of Kriya Yoga, Sri Sri Ravi Shankar, B.K.S. Iyengar, Sadhguru Jaggi Vasudev, and Baba Ramdev have done great service the world by spreading the knowledge of yoga in the world. Swami Kubalayananda, founder of Kaivalya Dham at Pune, could get his students to do certain asanas and measure the impact they produced on a particular on a practitioner using the scientific equipments. Sri Yogendra, who founded the Santa Cruz Yoga Institute, did research and emphasized movement of the body with the breath. Krishnamacharya developed a vinyasa system. But all these people, they are philosophers and yoga exponents, they inherently follow Patanjali, no doubt. World famous poet, writer and philosopher, Henry David Thoreau, 1817 to 1872, is said to be the first yogi of America. However, since 1970, yoga became a subject of common practice and even a fashion in the US. In 2010, an organization named Hindu America Foundation, HAF, started a Take Back Yoga movement. Jason Beach leads a Hatha Yoga project founded by European Research Council. US judiciary also gave a verdict that yoga had nothing to do with religion and it was a part of the world's spirituality. No doubt yoga has contributed a lot to the world peace, fraternity and health.
but modern people see it as a health prescription only. Total propagation of yoga today has limited it to asana and pranayama only, forgetting its other six vital links like yama and niyama, etc. The spiritual essence and purpose of yoga is gradually winding down in the business of yoga. Taking this into view, the present small endeavor envisages after presenting a brief discussion on the concept of God in the Yoga Sutras. Only discussing on God can we prove that yoga is not only these two things, asana and pranayama. It is well known that Sankhya, which is silent on God, and yoga, which combines God element in yoga, are the cognate systems. We know that Sankhya Yoga, they are almost one system, ancient mode system and almost one system. They are two chapters of a book, we can say. At the end of this Bhashya, in each part of the Yoga Sutra, Vyasa declares that he is writing Sankhya Pravachana Bhashya. Iti Sri Patanjale Sankhya Pravachane Yoga Sastre Srimad Vyasa Bhashya Samadhipada Prathama. At the end of Samadhipada he says, so it is nothing but a Sankhya Pravachana Bhashya. In Yoga Sutra he is writing it is Sankhya Pravachana Bhashya. Why? This is a hint that Sankhya and Yoga, they are cognate philosophies. And the problem is, if Sankhya doesn't accept Ishwar, why yoga system accepted it? This is the call one to Samadhipada. This clearly states about the unity of Sankhya and Yoga. Similarly, Mahabharata, in Mahabharata 11.365 also, it is being declared like that only. Kapilam paramasimcha yang prahur yataya sada agnisa kapilo nama Sankhya Yoga Pravartata. That is also another theory that both Sankhya and Yoga are propounded by Kapila himself. In Svetasatra Upanishad, it is said, Tatkaranam Sankhya Yoga Vipannam Yantva Deva Mucchate Sarupasi. So here, Sankhya Yoga is a, inside a single phrase, Sankhya and Yoga they are uttered, and they are the ways to get freedom from this cycle of birth and death. And similarly, in Sri Srimad Bhagavad Gita, there is also a famous declaration about these two cognates. They are one and same. Very clearly it is stated in Srimad Bhagavad Gita. Sankhya Yoga Prithakvadaha Prabhadanti Napanditaha Ekam Apyasthitaha Samyag Ubhayor Vindate Phalam Jat Sankhya Prapyate Sthanam Tad Yogi Rami Api Gamyate Ekam Sankhyam Cha Yogam Cha Ija Pasyati Sapasyati. That Sankhya and Yoga, they are the one and same branch of philosophy. It is known by the person who knows the unity of philosophy. Such being the case, when Sankhya system advocates of Vivek of Khyati, that is knowledge of discerning Purusa and Prakriti, from Prakriti, as the giver of moksha to Purusa, why the Yoga system, which is more practical than Sankhya, should accept God in the framework of yoga for the attainment of liberation? The answer may again be the same citations as above. If both have two chapters of the same philosophy, and if the context of God is invisible one in one, invisible in one, that means in Sankhya, the other would make it visible. This is because whether through the knowledge or through practice, God's mercy is an indispensable requirement for attaining liberation. All the practices of yoga are for the direct knowledge of Him, and the knowledge of and the surrender to God is not an alternative to yogic practice for salvation, as it is commonly understood from the sutra Ishwara Pranidhana Rupa. There is a sutra Ishwara Pranidhana Rupa, Yoga Sutra 1/23. Ishwara Pranidhana Rupa, this Rupa sometimes misleads the scholars. They think that yama, niyama, asana, pranayama, all these things are there. We can take repose to these and get our final realization or liberation. Or else we can surrender to God.
So surrendering to God is an alternative to yama niyama, asana pranayama, etc. This is commonly understood because of this vibhaga. But the thing is that then in all other places where Ishwara Pranidhana is added, what happens to the situation? Let us see. Had there been liberation through the yogic practices only, the Patanjali would not have included Ishwara element in Kriya Yoga. Asita was telling about Kriya Yoga. So Kriya Yoga, what is uttered here in Yoga Sutra in Srimad Bhagavad Gita also. Kriya Yoga exponents are there. Bhavaji Maharaj of Himalaya is the first propagator of Kriya Yoga. It's a very big philosophy and spiritual practice. So, niyamas and in swadhyayas and would not have declared conclusively that surrender to God only brings in siddhi and samadhi. Sometimes he says that only siddhi in samadhi, that is the aim of the yama yoga, etc. But that is only going to happen through the surrendering to God. If that is the case, then va has no meaning at all in that place. Sometimes va is uttered for questioning. Vajanam krutam va in Sanskrit. Va is for questioning. So va has many meanings. And here meaning is not the alternate way. That is not the meaning. For vindicating our stand, we cite those many important sutras which are often lost in the elaborated discussion over asana and pranayama. So, Papaha Swadhyaya, Ishwara Pranidhanani, Pranidhanani, Kriya Yoga, as Dr. Hegde says, that is Yoga Sutra 2x1. Here, for Kriya Yoga, Ishwara Pranidhana is necessary. If Ishwara Pranidhana is necessary, Ishwara Pranidhana means surrendering to God. If that is necessary in Kriya Yoga, then why Ba there? So Ba has no meaning there. Saucha Santosa Papaha Swadhyaya, Ishwara Pranidhanani, Niyama. In the second name, Yama Niyama, in Niyama itself, Ishwara Pranidhana is again uttered. That means in the total gamut of yoga, Ishwara Pranidhana is going to stand tallest. Without that, no stretching, no habits will do. That is the meaning. Swadhyaya is Ishtadevata Samprayoga. Swadhyaya is Ishtadevata Samprayoga. Through Swadhyaya, we can have Ishtadevata Darsana. Samprayoga is darsana. Then again the same thing. Ishtadevata darsana is necessary and that will happen through swadhyaya. Only swadhyaya will not do. Samadhi siddhi Ishwara Pranidhana. This is the most valuable sutra in the total yoga sutra. Because you are going to have siddhi in samadhi, perfection in meditation, only through Ishwara Pranidhana, surrendering to God. Nobody else can give. And therefore, we should not think that besides keeping Ishwara aside, keeping God aside, we can achieve all our spiritual aims through yama niyama, asana pranayama, etc. That is not possible. Moreover, asana and pranayama, although very much required for yoga, are not a prominent part of the yoga sutras. Patanjali leaves the matter of asana to posterity by just defining it, sthira sukham asana. Yoga Sutra 2x46. Vyasa in his Vyasa utters only 11 asanas. There are now more than 100 asanas. We'll speak about that. But Vyasadeva only utters the name of 11 asanas. Even some of them are very obscure. Nowadays nobody knows what are they. So Tadyatha, he says, Tadyatha, Padmasanam, Virasanam, Bhadrasanam, Swastikam, Dandasanam, Sopasrayam, Paryankam, Trauncha Nisadanam, Hasti Nisadanam, Ustra Nisadanam, Samasanthanam, Sthira Sukham, Yathasukham, Cha, Iti Egonadini. So in Vyasavasya, it is there. It is the Hatha Yoga system. In Patanjali Asana was not given not that much importance, but it is in the Hatha Yoga system, which elaborately presented the picture of Asana and Pranayama and their benefits. However, Patanjali wrote more sutras on Pranayama, perhaps because it facilitates mind both for dharana on Ishtadeva or Ishwara. Therefore, when Patanjali says that capacity of mind increases through dharana, dharana is a constant thought process, you can say. So he says, dharana su yogyata manasa.
So dharana only we get agility and capacity in mind. Vyasana reminds that it happens because of exhalation, pratsatvana, and stock, vidharana, of vital air during pranayama. Pranayama vyasa deva, pratsatvana vidharana abhyamba pranasya. Yoga Sutra 1/34, iti vachana, this is Vyasavasya. All these help the attainment of knowledge of God, not as the possession of intellectual or academic knowledge. I am having academic knowledge only. But as a direct perception, which is supersensuous in this case. Now question is, if Sankhya system doesn't improve the concept of Ishvara, how is it feasible for yoga system to direct its total process of yoga towards Him, towards God? Patanjali perhaps answers this while defining God as a special kind of Purusha. In Sankhya, Purushas are accepted. Purusha Bahutva, there are many Purushas in Sankhya. And if Patanjali accepts God as a Purusha, then Sankhya will not have any objection. And he says that God is nothing but a Purusha, but a special kind of Purusha. He has some special qualities. What are those qualities? By defining God, he gives those qualities. So Patanjali perhaps answers this while defining God as a special kind of Purusha in the crowd of Sankhya-purushas, who is untouched by strain of ignorance, actions, the results and desires. He is God. Place a karma vipaka sahi aparadrushta purusha visesa ishvara. Yoga Sutra 1/24. In Sankhya Sutras of Kapila also we find the hymns of two types of purusha. Some are bonded and ignorant and some are liberated and wise. In Purusha Bhauta of Sankhya also there are two types of purushas. Patanjali perhaps wishes to hint that God is a Purusha who is even purer than the second group, in which Purushas are previously bonded and ignorant, but now are liberated and wise. Vyasadeva explains in the Hasya, Yatha Muktasya Purvabandha Koti Hi Prajnayate Naivam Ishwarasya. Ishwar is not that. God is not that who was once bonded and got free afterwards. He is not that. Yatha Prakutilinasya Uttarabandha Koti Hi Samhavyate Naivam Ishwarasya. Ishwar is not he who is going to be bonded again. Now free, but he is going to be bonded again. So these two groups that are seen to be Purushas are not getting the characteristics of Ishwar. Or Ishwar is different from these two groups. Sadeva Mukta, Sadeva Ishwar iti. Clearly Patanjali includes Ishwar in the group of Sankhya Purusha, but highlights his special qualities like omniscience and omnipresence, etc., as he is not limited by past, present and future, and he is being Lord of all and addressed by Omkar. So about God, three things besides the place of Omkar, etc., three more sutras are said about God. Tatra niratisvayam sarvajnam etam. Even in that system it is being accepted that Atma is a Svalpajna and Ishwara is a Sarvajna. And similarly here in Patanjali's Yoga Sutra also, he has the Sarvajna vision. Purvesam api Guru Kalena Anavachedat. And he is a Guru, he is a Master, he is far better than the previous deities like Brahma, etc. Because Brahma, etc. are limited, rather delimited by life. They come and go, they come and go, but Ishwara will not be like that. Therefore, he is Purvesam api Guru, Tasya Vachaka Pranava. He is spoken through the word Om, we can say. Patanjali draws inspirations from the Vedas, where God is described as the storehouse of knowledge and as the destroyer of cell of ignorance. We quote three Samavadas, I will not read them. I have given example, proof that in Samaveda how yoga's place is there and how God is the crux of all yoga, etc., giver of yogic power, etc., that I will not speak. Similarly, in Ishopanishad also is there, I will speak. In Patanjali's definition of yoga, it seems apparently that there is no yoga or connection at all that I was saying in the beginning. Had that been the case,
Patanjali would not have quality yoga. If he said yoga kshita bhuti niruddha, it is a negative sutra and it says to nidra, then it cannot have yoga. Yoga is to get, go and connect. But he says to nidra, come back. But even then he says that this is yoga sutra and he is speaking of yoga. When he says yoga kshita bhuti niruddha, he means a complete cessation of the activities of mind, which was hitherto attracted towards worldly objects. In this contentless meditation, contentless is asamprajnana samadhi, contentless meditation, the soul exists in its own form. Hence, Vyasa says, samibhira samadhi, natatra kinchit samprajnana vidhi asamprajnana, sorupa patistha tadani chit shakti yatha kaivalye. So, sorupa patistha. There happens a Swarupa Pratistha by withdrawing the mind from outer activities. And this Swarupa Pratistha is nothing but yoga. How is yoga? Because Swarupa is Paramatma. And Rupa who was there, he is yoga, Jiva. And Jiva is going to get mingled in Paramatma in that stage, where total negation of all thought processes happen. So in this case of in this state of mind, drashta jiva gets mingled in its swarupa, the original form. No doubt Brahman or Paramatma is the original form of all individual souls. Therefore the third sutra, tada drashtu swarupe avasthanam, this drashta is jiva and swarupa is Paramatma. So these two things get mingled, become one, and it is the yoga. So nirodha doesn't mean that non-yoga. Now we drink from some correction. And this third sutra hints at a merger rather than yoga. Vijnanabhikshu is a great philosopher of Sankhya Yoga, and he has written Yoga Bhaktika, a great, very valuable bhashya on Patanjali Yoga Sutra. Vijnanabhikshu, while explaining the situation, he says, Tada asamprajnana kale drashtu chittisakteh purushasya swarupe nirvishayah chaitanya matre avasthanam ityartha. Already explained. It is like the merger of river water in the ocean. So this is the connection. When all the activities of mind calm down, then there is a connection between jiva and the paramatma, like the river and ocean. And this is yoga. It is in this context that paramatma or God appears inevitably in the process of yoga. Explaining this contemplative state of samadhi or meditation, Vishnu Purana says that at this time, mind grasps as a result of meditation the real nature of that Paramatman. The jiva gets the nature of Paramatman at that time. Tasiva kalpana hinam sorupa grahanam vikat manasa dhyana nispatyam samadhiso avidhiyate. So, kalpana hinam, mind becomes kalpana hinam, there is no imagination, no activity, and that state gives this jiva all the characteristics of Paramatman. That's being said here. And there are many other things. I have much less time now. So, in Yajnavalkya Smriti, in Skanda Purana, there are many verses to justify that yoga means the yoga between, the connection between Atma and Paramatma. Yoga Chitta Vritti Nirodha really directs all of us towards that state. Therefore, nirodha is not negative, it leads to a positive state of the spirit, we can say. So, all those Puranas, I am giving up, many Puranas I have brought for proof. After a quick glance at the Indian yoga tradition, it is found that yoga is not just limited to the mental exercise of restrainment, nor is it an exercise of vital air, not even it is a physical stretching. Through postures only. Underneath yoga there is a deep spiritual aspiration and a great role of the mercy of God. That is why surrender to yoga is shown by Patanjali as an integral part of yoga through the phrase Ishwar Pranidhan. Although this surrender of yogin got having through this surrender of yogin God having released exercises his will to give him the contentless meditation, asamprajnana samadhi, and its result also.
has experienced that. I'm reading out. This pranidhana comes to now. Very interesting is what is the pranidhana then? I uttered an English word surrender only. But what is the real meaning of that pranidhana? So this pranidhana comes through the muttering of Omkar and contemplating upon God as its meaning. So we have to utter once and again, make yoga of Omkar, and gradually, side by side, we have to think that this is the meaning of God, Omkar is God. Therefore, in Yoga Sutra 1.28, Patanjali says, Japaha Tadartha Bhavanam. So pranidhana, it has a two courses. In one course, we will make our japa, and in other course, we will have Tadartha Bhavanam. So that means Omkar means God, Omkar means God. That kind of thought process will also go on. This process of muttering japa is called Swadhyaya, combined with which the whole process of yoga perceives the manifestation of Paramatma. For illustrating this stand of Patanjali, Vyasahasya quotes a verse from Vishnu Purana, living up. And in this way, Patanjali's Yoga Sutra places God in the central stage of the process of meditation as against the common notion of that yoga continues, constitutes asana and pranayamas. This is because the grace of God is pivotal in the attainment of salvation. As the stress was more on yama and niyama, etc., which were non-exercise limbs of Ashtanga yoga, we find that practice of yoga, yoga mudras and elaborate asanas entered into the textual tradition only in the 15th century in the form of Hatha-yoga Pradipika of Swatmaram. So it is a very important point. These asana and pranayama became textually prominent only in the 15th century, not before that. Why it is so? Because yama and niyama, they were more prominent for Ishwara pranayama, more necessary for Ishwara pranayama. So stress was going on that. Only in the 15th century, Swatmaram came and he thought that asana pranayama should be grown up, and he made it. Later texts such as Hatha Ratnavali and his 84 asanas, as against 15 asanas of Swatmarama, and describes 36 of them. Hatha Vyasa Paddhati teaches 112 asanas in 6 sequences and includes counter poses, moving postures, and rope poses, which require enormous upper body strength. Not as a physical fitness recipe, but as a means to enhance spiritual quotient. Many non-Hindu systems also had sincerely adopted yoga. Buddhist Vipassana, I am reading my conclusion. Buddhist Vipassana and other methods, and Lord Buddha's yogic postures are famous worldwide. There is a tradition of yoga texts written in Jainism throughout the medieval period. Acharya Hemachandra's Yoga Shastra, Jaina Yoga Shastra, and Haribhadra's Yoga Bindu are just two examples. Today, Therapanthi sect of Jainism has also developed a system of yoga being taught internationally. The Mughal ruler Jahangir had commissioned translations of yoga texts. Bahrul Hayat is one such a Persian version of an Arabic work, which in turn was a translation of a Sanskrit text called Amrita Kunda. But in all such rites, spiritual attainments overshadowed the physical fitness as a whole. Only in the 20th and 21st century, there is a rise of secular yoga that leads to a gross commercialization and fitness mania. The secular yoga is now being taught in a variety of contexts, from the health fitness clubs to corporate boardrooms at recess periods, because staff are more aware today of the benefits of yoga for managing stress. However, these were byproducts gained in yoga, byproduct gains in yoga. Patanjali yoga had a clear aim of spiritual realization and attainment of the supreme consciousness as its goal. The focus on yoga is certainly welcome, at least for the reason that it has created some kind of health consciousness in people. Sedentary lifestyle,
turbulence of mind, meaningless running around, obsession with fast food, and an over-ambitious daily regime have all made human life miserable. Yoga is thus very much needed, but if it requires the characteristics of fast food or of a 2020 match, its essential relevance is watered down, making it just a pseudo yoga. With the time-crunched lifestyle of the urban world, aggressive branding and packaging blunts the reasoning ability of the mass looking for quick fix solution for everything, including health and fitness requirements. So a new yoga has emerged in the name and style of jazz yoga and beer yoga. Like 2 minutes noodles, jazz yoga promises yoga solutions in a jiffy, while beer yoga makes it trendy. Yoga is a serious form of mind-body unifying exercise that has as its primary objective to achieve purity of mind, reach purity of soul, and finally to attain higher level of consciousness. Even the prescribed yogic exercises are much more than stretching, bending, postural readjustments and aerobics. Its goals are steadily directed at the supreme consciousness of God. Thank you very much. अरुणाचल मिश्र जी ने पतंजलि योग सूत्र के संदर्भ में जिस व्यापक तरीके से पुराणों और अन्य कई महत्वपूर्ण ग्रंथों के सहारे इसकी व्याख्या की, उससे ये तो निश्चित तौर पर साबित होता है कि योग एक प्रवीण ज्ञान और विज्ञान है। अब मैं सत्र के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर अशोक कालिया जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर अशोक कालिया लखनऊ विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में 1963 में आपने एमए की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद पारंपरिक अध्ययन के उद्देश्य से उसी वर्ष प्राय 700 वर्ष प्राचीन श्री ब्रह्म तत्व तंत्र बरकाल मठ जो मैसूर नगर में है वहां प्रस्थान किया। वहां उस समय मठ के 33वें पीठाधिपति श्रीमद अभिनव रंगनाथ बरकाल स्वामी के श्री चरणों में विशिष्टाद्वैत दर्शन तथा श्री वैष्णव संप्रदाय के रहस्य ग्रंथों का आपने अध्ययन किया। वहां से 2 वर्षों के बाद लखनऊ आकर 1968 में लक्ष्मी तत्व धर्म और दर्शन विषय पर लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि आपने प्राप्त की। 1969 में संस्कृत विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में आपने शिक्षा कार्य विधिवत रूप से आरंभ किया। वहां लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर और अध्यक्ष रूप में आपने अपनी सेवाएं दी। इसी मध्य डीलिट की उपाधि भी आपने प्राप्त की। 2005 से 2008 तक आपने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं दी। सेवानिवृत्ति के पश्चात अखिल भारतीय संस्कृत परिषद लखनऊ में मंत्री उपाध्यक्ष के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी, जो अभी भी प्रवर्तमान है। इसके अतिरिक्त आप अन्य अनेक संस्कृत सेवी संस्थानों से आज भी संबद्ध हैं। आपने लगभग 8 ग्रंथ और अनेक शोध पत्र लिखे हैं जो महत्वपूर्ण तरीके से प्रकाशित हुए हैं। भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने आपको विशेष रूप से सम्मानित किया। बहुत ही आदर के साथ आज के सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार कालिया जी। ज्ञानानंदमय देवम निर्मल स्फिका कृतिम आधारम सर्वविद्या नाम एक रूपास्ते आपके सामने दो विद्वानों के व्याख्यान हुए। एक विज्ञान, एक तो डॉक्टर सरस्वती हेगड़े जी ने योग के व्यावहारिक पक्ष को आप समर्पित किया और हम सबको व्यावहारिक रूप में करके ले जाया जो योग करवाया गया। जो योगा था किस प्रकार से वो आपके दैनिक जीवन में और योगा है ये आपने बताया और उसके पश्चात हमारे अरुणाचल जी ने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। उसमें विशेष रूप से
ईश्वर के सिद्धांत के योग में जो ईश्वर का सिद्धांत है, ईश्वर का जो स्थान है, उसके विषय पर प्रकाश डालना। ये आज को विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हम अनुपम जी के माध्यम से साहित्य अकेडमी को भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें भी ये अवसर प्रदान किया कि जो महानुष्ठान यज्ञ चल रहा है उसमें हमें कुछ इस रूप में आवाज देने का अवसर भी वो मिला है। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये समाचार पत्रों में, दूरदर्शन में आज के दिन के विषय में ये सुनने को मिलता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1914 में जब वहाँ पर यूएनओ में गए तो उन्होंने इसको मान्यता दिलवाई, जो कि एक भारतीय विज्ञान अज्ञान विज्ञान विकास योग उसको उन्होंने, जो कि 5000 साल पुरानी है, उसको उन्होंने मान्यता दिलवाई है। इस पर थोड़ा सा विचार जरूर करना है कि 5000 साल पुराना उन्होंने कहा, 5000 साल पुराना क्यों कहा? अभी थोड़ी देर के लिए पतंजलि को भूल जाइए, इसलिए कि पतंजलि तो 2nd century BC के आसपास के है और ये 5000 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो 5000 साल पहले क्या था, आप तो 5000 साल की नहीं चीज समझते, क्योंकि पतंजलि के पहले क्या था, योग कहाँ से आया? तो महाभारत कहता है कि कांकृष्ण वक्ता कपिला परमर्षि सहुचित हिरण्य गर्भ योग से, तो हिरण्य गर्भ योग के हैं क्यों नहीं, जिससे कि ये प्रवृत्त हुआ योग, और हिरण्य गर्भ कौन है? ब्रह्मा जी है। तो तब से योग आरंभ हुआ है। हम इतिहास के प्राचीनतम बिंदु तक चले जाए, जिस प्राचीनतम बिंदु तक जाएंगे हमको योग मिलेगा। 2nd century BC पतंजलि तक नहीं, उसके पहले जहां कहीं भी आप जा सकते हैं, आप जिस लड़ाई अगर जा सकते हैं, जितना प्राचीन जाइए आपको योग मिलेगा। और 5000 साल जो पहले कहते हैं वो संभवतः इसलिए कहते हैं कि 1921-22 में जो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है उसमें एक जो मोहरें मिली हैं, प्रतिमाएं मिली हैं, उसमें मोहर भी जिसमें कि योगी की मुद्रा में शिव की मूर्ति, ऐसा लोग मानते हैं। तो ये वो मुद्रा उसे मिली, शिव की मूर्ति है, योगी की योगी के रूप में है, तो इसलिए वो योग उस समय था। और उसकी समय क्या बताया गया, 2700 BC से 3300 BC के बीच। 2700 BC या 3300 BC या 20 का ले लिया, 3000 BC, 3000 BC वो 2000 5000 होगा, इसके 5000 साल उसको। लेकिन यह एक अनुमानित ही है, इसलिए क्योंकि अगर योगी की प्रतिमा और योगी की मूर्ति उसे मिली है तो ये मूर्ति ऐसे तो नहीं आ गई, उसके पहले से चली आ रही है, पता परंपरा पहले चली आ रही है, उसी की तो मूर्ति बनाएगी। आपको कुछ बनाने को होगा तो पहले आइडिया तो कहीं से आएगा, तो वो चीज थी पहले से, वो उसमें कितने पहले से थी ये नहीं बता सकते। वो 3000 साल से 1000 पहले थी, 2000 साल पहले थी, 5000 पहले, आप कुछ नहीं कह सकते। ये बात हम कहीं चर्चा कर रहे थे तो किसी ने कहा 3000 साल पहले की नई बात है, अब तो बहुत पुरानी हो गई, सिर्फ पुरानी हो गई है तुरंत कहा कि नहीं, पाकिस्तान में है वो, तो वहाँ के कोई हिस्टोरियन है वो, उनका पुस्तक का नाम नहीं बताया, नहीं उसको जरूर लिखना चाहता, उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि यह 10000 साल पुरानी है, मौजूदा का कल्चर है, उसकी डेट पक्की नहीं है, डेट अभी पक्की नहीं है, हम 5000 कह रहे हैं वो अनुमानित है, कम से कम 5000 से उठनी चले गए। जब उत्खनन जो होते हैं इसकी एक सीमा है, इसकी एक सीमा है, 1921 के पहले थी तो उत्खनन होते थे, उसके पहले क्या कहते थे, उसके पहले तो 3000 साल पहले दिया था, अब उसमें हो गया वहां का, तो पहले 3000 पहले क्या,
अभी कहीं और का हो जाए विद्या कहेंगे, कहीं और का कुछ दृढ़ हो जाए, जमीन जगह पता नहीं कहाँ क्या क्या रची पाऊंगा। अभी यहीं पर आपके पास उसके पास हो रही जहाँ पर कुछ मिला है, रथ मिले हैं और शमशान सब कबीरदार मिला है और गजर राज वो जो चीजें और उसको कल्चर उसको मौजूदा हड़प्पा जोड़ते हैं, तो जो जो कल्चर कुछ समय वहाँ हड़प्पा में नहीं मिला वो यहाँ मिला, और संभव अभी तो इसकी कैबिलिटी हुई नहीं, कैबिलिटी वजह उससे पहले निकल गया। तो जो तो इसीलिए खुदाई में जो मिलता है जब तक मिला है तब तक दूसरा कुछ मिले तब तक प्रमाण है, जब कुछ और मिल गया फिर वो प्रमाण हो जाएगा, इसलिए इसकी कोई सीमा नहीं है। ये तो आपको पुरातात्विक सोच से आप कहते हैं तो आप लीजिए साहित्य स्रोत पर आ जाइए। साहित्य स्रोत पर जब आते हैं तो आपको साहित्य प्राचीन साहित्य क्या है इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, ऋग्वेद से प्राचीन तो सही है, ऋग्वेद ही प्राचीन है, अब ऋग्वेद की तरह प्राचीन है। तो हमारे सबसे बड़े जो वैदिक स्कॉलर माने गए हैं वो तो मैक्समुलर ने कहा, पहले तो कहा 1500 BC और अंत में उनको कहीं कुछ लगा सिक्स सिस्टम और डेट लक्ष्मी उन्होंने लिखा कि व्हाट एवर मे बी द डेट ऑफ द ऋग्वेद हिम्स ऑफ द ऋग्वेद 5000 years एगो 15000 years चाहे कुछ भी हो यानी कि वो कुछ को ये नॉट श्योर। तो इसलिए साहित्य स्रोत से भी हम ऋग्वेद की डेट में हम 3000 का ले रहे थे ऋग्वेद में कि यदया शब्द आता है कि मनया शब्द आता है और उसमें यति और मणि जो है वो साधना करते हैं इसकी उसका उल्लेख आता है। तो अगर वो उतना ही है तो इसका मतलब है कि वही डेट है वो भी उनको कहीं से मिला पहले परंपरा चली आ रही तभी तो उसमें आया, तो कितनी प्राचीन है कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हम कहते जितना भी प्राचीन आप जाइएगा भारतीय इतिहास के जो भी आपको स्रोत मिल जाएगा उसको ये ऋग्वेद ये भारतीय इतिहास का अंतिम प्राचीनतम स्रोत है प्राचीनतम बिंदु है वहाँ आपको योग मिलेगा। तो योग आपकी आपका रिक्त है, योग आपका पैतृक धन है, इसे हमें इसे हम लोग कभी कभी मैनुस्क्रिप्ट्स का काम भी तो यूज करते हैं किसी आपके मैनुस्क्रिप्ट्स है तो आप क्या करेंगे रह करके आप तो कुछ करते नहीं हैं और लाइन लीजिए इसको हमको दे दीजिए हम इसको प्रिजर्व करेंगे मेंटेन करेंगे इसको कायदे से समय संभाल कर देंगे केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे इसको और जीवन लंबा हो जाएगा। आप कहते हैं भाई हम आपको नहीं देंगे ये हमारी पैतृक है पैतृक परंपरा से प्राप्त है हम इसको नहीं ले सकते। तो ये आपका योग पैतृक संपत्ति है इसको कभी हमें नहीं देना चाहिए। अच्छा अब ये चीज और क्योंकि थोड़ा सा जो योग है ये आपके केवल योग सूत्र के माध्यम से नहीं आता है आपकी अन्य विधाओं से भी आ रहा है आपकी सामने वो तांत्रिक विधा है पुराणों में अब तांत्रिक विधाओं में आई तंत्रों में आप देखिए मुख्य आस्तिक भी तंत्र है नास्तिक भी तंत्र है। आस्तिक तंत्रों में शैव तंत्र शाक तंत्र वैष्णव तंत्र ये आ गए, नास्तिक में बौद्ध जैन आ गए, ये मुख्य है। इन सब में योग है इन सब में योग है। अब इनमें भी आप देखिए इसका गण विषय क्या होता है सभी तंत्रों में अपने अपने शैव और शाक्त और उसमें क्या पहला ज्ञानवाद ज्ञान के सृष्टि कैसे हुई ईश्वर का क्या लक्षण है ब्रह्म क्या है प्रकृति क्या है ये सारी बातें आती है। योगवाद दूसरा योगवाद हर एक में होगा तंत्र में और तीसरा क्रियावाद चौथा चर्यावाद ये चार वाद होते हैं।
तो योग पाद उसका एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है जो तंत्रों में होता है और वो पतंजलि के योग सूत्र से मिलता जुलता है लेकिन कहीं कहीं डिफर भी करता है कहीं कहीं डिफर भी करता है। अब आपने सुना है अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम परिधान धारणा ध्यान समाधि ये आप तंत्र क्या कहते हैं तंत्र नहीं शैव तंत्र है बौद्ध तंत्र है ये छह अंग मानते हैं और उसमें यम नियम आसन तीनों छोड़ दिए यम नियम आसन तीनों छोड़ दिए बाकी पांच बचे पांच में एक अपनी ओर से जोड़ देते हैं एक अपनी ओर से जोड़ते हैं कौन से जोड़ते हैं बौद्ध जोड़ते हैं उसका नाम था अनुस्मृति पांच तो वही अंग है जो पतंजलि वाले हैं और एक जोड़ दिया अतंजलि अनुस्मृति को तीन यम नियम आसन छोड़ दिए अच्छा तो छह अंग इनके हो गए और जो आस्तिक तंत्र है उन्होंने भी ये तीनों छोड़ दिए यम नियम आसन छोड़ दिए और पांच बचे पांच में एक अंग उन्होंने जोड़ दिया उसका अंग रहता है तब एक अंग रहता है। अब किस तरीके ये षडंग योग हो गया वो अष्टांग योग है ये षडंग योग है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो कि हमारे टीवी गाने सामने कही अब उसको और उन्होंने कहा कि वो इन्होंने क्यों छोड़ा यम नियम आसन इतने इंपॉर्टेंट हैं इनको छोड़ा क्यों तो कहते वो उनके सिद्धांत से मिल ही नहीं था तंत्रों के सिद्धांत से मिल ही नहीं खाते अरे वो आपको बहुत सिखाते हैं तंत्र में तो आपको यम नियम सदाचार से रहना है ब्रह्मचर्य से रहना है क्योंकि उनके आते तो वही नहीं उनके उनका पंच वगार है मध्यमान मदिरा इत्यादि तो वो आपको उनको ये सब कुछ करने ही नहीं है आपको तो यम नियम उनके सिद्धांत के विपरीत पड़ते हैं इसलिए उन्होंने यम नियम आसन तीनों को लिया ये उन्होंने कहा वो तो ठीक है हमको एक बात जो हम उनसे थोड़ा सा अलग से सोचते हैं वो ये कि इसमें आपने वैष्णव तंत्र को क्यों रखा सारे तंत्र तो ठीक है वैष्णव तंत्र क्यों थोड़ा इसलिए सोचते कि हम भी वैष्णव ही सोचते कि वैष्णव तंत्र को क्यों रखा वैष्णव तंत्र तो पंच मकार से बहुत दूर है पंच मकार को तो सुनना भी नहीं चाहते वो बड़े सदाचारी हैं और ये जितने जो नियम आसन आप बताते हो ये सब पंच इन आगमों वैष्णव आगमों में भी अधिकांश आगम पतंजलि के आठवां अंगों को स्वीकार करते हैं पतंजलि के आठवां अंगों को स्वीकार करते हैं केवल एक आदर्शनों पर षडंग का होते हैं विश्व संहिता इत्यादि ग्रंथ है जिसमें छह अंगों को लेकर उसी को लेकर देते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ इतना सारा हमारा साहित्य है उसमें इतने में अष्टांग स्वीकार किया है और इतने में योग हमने छह अंग स्वीकार किए तो आप इसी को कह रहे हो इतने में जोड़ने क्या उसको नहीं कह रहे जो हमने जो जहाँ हमने षडंग भी कहा है वहां पर भी ये बात नहीं वहां पर भी पूरे जो योग योगी करने योग करना जाना है उसके उसकी उसके लक्षण क्या है योगी के उसने बताया सर सारे सारे गिना दिए हैं इस प्रकार से होना चाहिए सदाचारी होना चाहिए ब्रह्मचारी होना चाहिए और सब कुछ लिखा हुआ है योगी सब जन में वो सब बातें समझा रहे थे इसलिए ये जो परंपरा है योग की वो परंपरा उनको प्राचीनतम है उसको और पतंजलि ने उसको नियमबद्ध किया एक बात ये ध्यान देने की है पतंजलि ने योग सूत्र लिखे अष्टो व्यास भाष्य जो है वो तो लिखा गया महत्वपूर्ण है लेकिन योग सूत्र जो है सब बीसी में लिखे आप ये सोच लीजिए कि बीसी जो है ईसा के पूर्व का काल वो हमारी मनीषा का स्वर्ण काल वो हमारी मनीषा का स्वर्ण काल था क्योंकि हमने सारी ओरिजिनल थिंकिंग उस समय की वो उपनिषदों का काल हो वो एक हाँ उपनिषदों में भी आप देख लीजिए विशेष बात वहां पर संवादों के माध्यम से है ज्ञान इसने उससे पूछा आपने देखा संवादों के माध्यम से
वही आपकी प्लेटो रिपब्लिक में दिखाई देता है। तो वो जो संवादों के माध्यम से विलीन प्रश्न आता है किसी बौद्धों में, तो वो ये तो ये और आप देखिए जितने पढ़ने आपके ब्रह्मसूत्र ले लीजिए, वादरायण का पतंजलि के अष्टाध्याय ले लीजिए, कामसूत्र वात्स्यायन का ले लीजिए, योग सूत्र ले लीजिए, जितने ओरिजिनल ग्रंथ हैं सब उसमें लिखे हुए। उसके बाद इधर क्या चाहिए है, इधर भाष्य ईसा के बाद भाष्य उसी का उसी के ऊपर कमेंट्री दिखी जा रही है। तो नहीं हो रही, और हुई भी है तो हमने नाम उसका दिया है, नाम दिया है उनके व्यास का, नाम दिया है उन सबका, बात अपनी कही है। ये वासराचार्य ने शंकराचार्य खंडन किया तो क्या कहा कि सूत्र अभिप्राय समृद्धिया स्वाभिप्राय निवेदना व्याख्यातम ये एकदम सूत्रों की व्याख्या नहीं मिलता। हम व्याख्या क्यों लिख रहे हैं, तो सूत्रों की इसलिए लिख रहे हैं कि सूत्र अभिप्राय सूत्र का ये अर्थ है इस बहाने स्वाभिप्राय निवेदना, इन्होंने अपना मत कह दिया है, सूत्र अभिप्राय सूत्रकार की अपनी मत कह दिया, उनका निराकरण करने की हम व्याख्या लिख रहे हैं। एक बात और, आप जो बात कह रहे थे उसके समय मेरे मन बात रही थी, उसमें मुझे ये कहना था कि सांख्य योग एक दूसरे पूरक है, ठीक है। सांख्य ने ईश्वर का कंसेप्ट नहीं है, ईश्वर का सभी ईश्वर प्रणाम योग सूत्र में आता है। अब क्यों ब्रह्मसूत्र में उसका खंडन किया गया, कहते हैं योगा मृत्यु का वादरण कहते हैं, इस सूत्र इस प्रकार से योग का भी खंडन हो गया, हो गया। उसके पहले अधिकरण में उन्होंने सांख्य का खंडन किया, सांख्य खंडन किया और सांख्य खंडन करने के बाद दूसरा सूत्र यह कहते योग का, जिस तरह से उन्होंने सांख्य खंडन कर दिया उसी से योग का भी खंडन हो गया, अब आवश्यकता नहीं कहने की। क्या अभिप्राय, अभिप्राय केवल इतना है कि सांख्य में आपने ईश्वर को नहीं माना, सृष्टि स्थिति कौन कर रहा है, सृष्टि स्थिति को लय कौन कर रहा है, ये आपने माना नहीं, इसलिए मूल रूप से यही हमारा आपत्ति है, इसलिए हम आपकी बात को स्वीकार नहीं करते, आपका मत जो है वो अस्थिर कर रही है। दूसरी बात, फिर योग को गाड़ी योग ईश्वर आ रहा है, ईश्वर तो आ रहा है लेकिन वो सृष्टि स्थिति प्रलय का करता नहीं है, वो आपने कह दिया क्लेश क्लेश कर्म योग योग आकाय सही अपराविष्टा ईश्वर, क्लेश कर्म पाप से करा इस पाप से रहे जो है वो ईश्वर है, ठीक है, रही करते ईश्वर है, अपने स्थान पर कारित होगा, अपने स्थान पर शोभित होगा, जैसे अध्यक्ष रूप में बैठा दिया, अध्यक्ष का क्या काम होता है, अध्यक्ष रूप स्वामी के पुरुष की तरह बैठा देखता है, अध्यक्षता करते रहे अध्यक्ष में आंखों से देखता है, तो उस उस रूप में बैठ कर ईश्वर तक देखता है कहीं कुछ नहीं, उससे हमको क्या लेना देना। तो इसलिए ये यदि योगा प्रत्युक्ता कह करके सांग को आपने ईश्वर को आपने उपादान निमित्त उपादान ग्रहण नहीं माना, इसलिए वो हमारे उपाध्याय नहीं है, इसलिए इसको खंडन किया गया, लेकिन वो केवल इसलिए निराकरणी है, अन्य मामलों में वो निराकरणी नहीं है। मुझको याद है आपने बताया हमारे जिनके पास में अध्ययन करता था ईश्वर में, तो उनके सामने हम लोग योग की बात करते थे तो वो थोड़ा हंस देते थे, जवाब क्यों नहीं देते थे, क्यों देते कि योग योग क्या सिखाता है, कैवल्य, कैवल्य क्या है, अपने स्वरूप में स्थित होगा तो बस, इससे क्या मतलब, अरे हमारा तो अगर वैष्णव है तो ईश्वर साक्षी प्राप्त करना है और उसके उसका कैंकर ही करना है, तो जो भी करना है तो वो चीज, लेकिन और जहाँ तक यम नियम आसन ये सब है वो सब तो सीखा है, और अगर आप ये जीव आत्म परमात्मा योगा आत्म परमात्मा संयोगा योगा इस रूप में तो आत्मा परमात्मा का इनका योग जो है वही योग है, तो वो भी स्वीकार है। आगे वो तो आपने कहा नहीं आत्मा परमात्मा का योग जो है वो योग है, आप अद्वैत में किससे योग होगा, अद्वैत वाली वेदांति किससे योग करेगा, वो तो स्वयं ही ईश्वर है, वो तो स्वयं ही ईश्वर है, तो किससे योग करेगा, करता है। तो
पहले पहले आचार्य नाथमणि में उठाई नहीं वो योग राशि था जबकि मिलता नहीं उनके कोई रजन तीन रजन में कोई रजन तो मैं समझता हूँ उससे बातें तो बहुत सी हैं कैसे रह जाए ये मैं समझता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद सर अशोक आर्य जी ने योग की प्राचीनता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की पुरातत्व सूत्रों से भी और सांख्यिक सूत्रों से भी आपने माँ भगवत गीता के उस विचार का भी जिक्र किया जिसमें अर्जुन से कृष्ण कहते हैं कि योग को विवस्वाद ने सूर्य से कहा सूर्य ने इसे मनु से कहा और उन्हें क्षाव को कहा और इस प्रकार की परंपरा से प्राप्त योग राजर्षि ने जाना जो कि बहुत काल तक नष्ट हो गया था अब मैं उससे पूरा कह रहा हूँ तो ऐसी है योग की परंपरा त्रेता युग में एक सेकंड त्रेता युग में राम को योग की शिक्षा देते हैं वशिष्ठ जी और योग वासिष्ठ लिखते हैं तो इसकी प्राचीनता पे अगर हम जाने लगे तो फिर और अत्यंत तो प्राचीन जैसा कि अशोक जी ने कहा भी कि इसकी प्राचीनता के बारे में अभी तक सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ प्राचीनता में भी योग अनिवार्य रूप से मिलता है और ये हमारी धरोहर है हमारे पूर्वजों की धरोहर है और इसे बचाए जाने की इसे स्वीकार करने की और इसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है न सिर्फ अन्य के लिए हमारे अपने लिए भी ये हमारे अपने जीवन को जितना उन्नत बनाएगी न सिर्फ शारीरिक स्तर पर मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर हम एक उच्चता प्राप्त करेंगे और शायद यही एक मनुष्य का ध्येय भी है मैं बहुत बहुत आदर व्यक्त करता हूँ तीनों ही विद्वानों के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान आप तीनों लोगों ने दिए और इस परिसंवाद को बहुत ही एक बहुत ही गर्म अपना की है बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जी आप कह रहे थे बस निवेदन चल रही है उर्दू अदब के बारे में खास चर्चा नहीं हुई है योग के खिलाफ में इस समय अगर आपने जिक्र किया था जो एक पुस्तक ठीक है बहुत सुंदर है तो है लेकिन अगर ज़्यादा लंबी चर्चा हो जाती तो सोने पे चुहाने का काम हो और कोई प्रश्न आप लोग अगर करना चाहें भी तो आराम से तो आप पूछ सकते हैं इसमें हमारी ओर से धन्यवाद बहुत बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद